Hey, welcome back dear students in a new video of mathematics today of class 6. As you know students, we are doing ratio and proportion up to exercise 8c we have done. Today we are going to start one new exercise, that is exercise 8d. So let's begin. So our first question is 18 erasers cost rupees 72. What is the cost of one eraser? 18 erasers आए हैं 72 रुपीस के, तो एक इरेजर कितने का आएगा? So students just see 18 eraser. What they have given? 18 eraser is equal to rupees 72. अगर मैं 18 into one eraser लिखूं, तो भी तो ये 18 ही इरेजर होगा. अब आपको क्या करना है, अगर आपको वन इरेजर की कॉस्ट निकालनी है, मतलब जिस चीज की इसका हमें इसकी वैल्यू निकालनी है ना वन इरेजर की, तो हमें क्या करना होगा, जो इसके साथ मल्टीप्लाई में है वो नीचे किस में चला जाएगा, डिवाइड में. सो वन इरेजर कॉस्ट रुपीज 4. अंडरस्टैंड, ये गिवन था 18 इरेजर 72. हमने क्या किया, 18 को लिखा है, 18 इरेजर को लिखा है 18 इंटू वन इरेजर, सेम ही है. अब वन इरेजर की कॉस्ट कैसे करके निकाली है, जो इसके साथ मल्टीप्लाई में था उसे कहाँ रख दिया, डिवाइड में. तो आंसर आएगा 4. सेकेंड इज इफ 7 kg ऑफ टी कॉस्ट रुपीज 350, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 12 kg ऑफ टी. वो कह रहे हैं कि अगर 7 किलो चाय जो भी है वो 350 रुपीज में है, तो हमें 12 kg ऑफ टी की कॉस्ट निकालनी है. तो बेटा इन टाइप के क्वेश्चंस में हम लगाते हैं यूनिटरी मेथड. यूनिटरी मेथड मींस 7 kg का दिया है 350, सबसे पहले आप 1 kg का निकालेंगे. ठीक है, सो लेट्स सॉल्व. ठीक है, इट इज गिवन 7 kg ऑफ टी इज इक्वल टू रुपीज 350. अब आपको क्या लिखना है, इसको 7 kg को लिखना है, 7 × 1 kg. सबसे पहले मैं क्या करूंगी, 1 kg ऑफ टी का निकालूंगी, तभी मैं क्या आंसर निकाल सकती हूँ. सो 7 kg ऑफ टी इज 350, 1 kg ऑफ टी मैंने निकालना है, तो मैंने कहा जो भी हमें निकालना है उसके साथ जो मल्टीप्लाई में होगा तो नीचे किस में चल जाएगा, डिवाइड में. सो दिस इज कॉस्ट 50. 1 किलो जो चाय है या फिर चाय पत्ती है वो क्या है, 50 रुपीज का आ रहा है. अब वो पूछ रहा है कि भाई 12 kg कितने में आएगा, तो 12 kg को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 12 × 1 kg ऑफ टी. करेक्ट, 12 × 1 kg ऑफ टी, और 12 तो हमारा यहीं पे रहेगा, और 1 kg ऑफ टी कितने का है, 50 रुपीज का. तो आंसर कितना आया, 600. क्या करना है इन टाइप के क्वेश्चंस में, सबसे पहले हमें 1 kg की वैल्यू निकालनी है, जिसे 7 kg ऑफ टी इज इक्वल टू रुपीज 350. हमने क्या लिखा, 7 × 1 kg ऑफ टी कितना है, 350. यहाँ से 1 kg की वैल्यू निकाली है. 12 kg ऑफ टी की कैसे निकालेंगे, 12 × 1 kg ऑफ टी, और ये हमने अभी अभी यहाँ से निकाला है. सो वी विल पुट वैल्यू एंड वी विल फाइंड द आंसर. थर्ड क्वेश्चन इज इन 25 मिनट अ ट्रेन ट्रेवल 20 किलोमीटर, हाउ फार विल इट्स ट्रेवल इन 15 मिनट्स. ठीक है, 25 मिनट्स में 20 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, तो 15 मिनट्स में कितना दूर जाएगा. इन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू स्टूडेंट्स, वॉट वी हैव टू डू, वी हैव टू अप्लाई यूनिटरी मैथड. यूनिटरी मैथड मीन्स पहले हम 1 मिनट का निकालेंगे, तो 25 मिनट्स में 20 किलोमीटर होता है, तो 25 मिनट्स को हम 25 × 1 मिनट लिख सकते हैं. अभी भी 25 मिनट आएगा, उतना ही है 20 किलोमीटर. तो देखो मुझे 1 मिनट का निकालना है, इसीलिए इसके बाद ही मैं 15 मिनट का निकाल सकूंगी. 1 मिनट का मैं कैसे निकालूंगी, जो इसके साथ मल्टीप्लाई में है वो नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा. ठीक है, अब आपकी चॉइस है, इसे आप पॉइंट में लिखें या फिर ऐसे ही छोड़ दें. ठीक है, अब मुझे वैल्यू क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है मुझे 15 मिनट अ ट्रेन ट्रेवल. तो 15 मिनट्स को मैं क्या लिखूंगी, 15 × 1 मिनट, वो भी तो 15 मिनट ही होगा. ठीक है, और 1 मिनट की वैल्यू मैं कहां से लूंगी, यहां से, दैट इज 20/25. सो आंसर इज 12 किलोमीटर. 15 मिनट में कितना ट्रेवल करेगा, 12 किलोमीटर. नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज 13 इक्वल बैग्स ऑफ सुगर वे 65 kg, हाउ मेनी बैग्स आर रिक्वायर्ड फॉर 10 kg ऑफ सुगर्स. 13 बैग, जो 13 बैग हैं सुगर के, वो 65 kg के हैं. ठीक है, 13 बैग. अब वो कह रहा है कि भाई 10 किलो अगर हमें सुगर लेनी है तो कितने बैग लेने पड़ेंगे. ठीक है, सो व्हाट दे सेड फर्स्ट वी विल डू. पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी हमें ऐसी चीजें करनी होती है बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फोकस होना होता है वन पे.
ठीक है, 13 बैग्स मिल रहे हैं हमें, 13 बैग्स में मिल रहा है हमें 65 केजी ऑफ शुगर, तो 13 को मैं 13 इंटू 1 बैग भी लिखूंगी तो भी 13 बैग आएगा, समझ रहे हैं आप बात। 1 बैग की वैल्यू कैसे करके निकालूंगी, जो भी इसके साथ मल्टीप्लाई में उसको मैं डिवाइड में ले लूंगी, 13 बैग इज इक्वल टू 65, सो 1 बैग इज इक्वल टू 65 ओवर 13, तो इसका मतलब है एक बैग में 5 केजी ऑफ शुगर है, एक बैग में कितना है 5 केजी ऑफ शुगर। तो कह रहे हैं कि 10 केजी के लिए कितना लेना पड़ेगा, तो एक देखो 10 केजी और एक बैग में कितना है 5, ठीक है, ये क्वांटिटी अपॉन 5 तो कितना हो जाएगा 2, सो फॉर 10 केजी ऑफ शुगर 2 बैग्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है। वैसे भी आप देख लो कि एक बैग में अगर 5 केजी है तो 10 केजी में कितने बैग्स आएंगे, आप खुद कैलकुलेशन कर सकते हो, दैट इज 2 बैग्स वी रिक्वायर्ड इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। फर्स्ट वी आर कैलकुलेटिंग 1, ठीक है, दिस इज कॉल्ड यूनिटरी मेथड। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, 12 रबर बॉल्स कॉस्ट ₹15, हाउ मच कैन आई बाय फॉर ₹20, ठीक है, 15 रुपए की आएंगी 12 रबर की बॉल, हमें बताना है कि भाई मैं ₹20 में कितनी बॉल्स ले सकती हूँ। अगेन वी कैन फोकस वेयर व्हाट दे हैव गिवन, ठीक है, 12 बॉल ₹15, सो आप देखो फिर से मैं इसे लिख सकती हूँ 12 इंटू 1 बॉल दैट इज 15, तो 1 बॉल कैसे करके निकालेंगे, जो भी मल्टीप्लाई में होगा वो डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है बेटा, उसने हमें पूछा है कि ₹20 में कितनी बॉल आएंगी, तो अगर मुझे पता चलेगा कि ₹1 में कितनी बॉल आएंगी तो मैं ₹20 का निकाल सकती हूँ। तो देखो आप ये देखो कि देखो मैं ये बोल सकती हूँ कि ₹15/12 में, ठीक है, 15/12 में एक बॉल आ रही है, ठीक है, तो यहां से मैं ये लिख सकती हूँ, इसको मैं ऐसे करके लिख सकती हूँ, दैट इज 15/12 इंटू ₹1 इज इक्वल टू 1 बॉल लिख सकती हूँ मैं, आप समझ रहे होंगे 15/12 इंटू ₹1 दैट इज 1 बॉल, ठीक है। यहां से ₹1 में देखो कितनी बॉल निकलेंगे, ये क्या क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा, ये नीचे और ये ऊपर 12/15, आप समझ रहे हैं क्यों निकाला, कि मुझे निकालना है ₹20 में कितनी बॉल लेनी है, तो पहले मैं देखूंगी कि ₹1 में कितनी बॉल आ रही है, तभी तो मैं बताऊंगी कि ₹20 में कितनी बॉल आ रही है। सो एक बॉल ₹1 में आ रही है 12/15 बॉल, सो ₹20 में कितनी आएंगी 12/15, तो ये ऐसे ही रहेगा इंटू मेरे पास क्या हो जाएगा 20 में इसका मल्टीप्लाई करूंगी और आंसर मेरे पास आएगा 16, अंडरस्टैंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 is 14 buses can carry 630 people. How many person can travel by 8 bus? ठीक है, 14 बस में 630 लोग आते हैं, अब वो कह रहे हैं कि 8 बस में कितने लोग आएंगे, 1 बस का रूल यूनिटरी मेथड वही है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फोकस व्हाट दे हैव गिवन, देखो 14 बस में आ रहे हैं 630 पीपल, 1 बस में क्या आएंगे, जैसे आप लिख सकते हो कैसे करके लिखोगे आप इसे, आप लिखोगे 14 into 1 bus दैट इज 630। अब 1 बस का निकालना है जो इसके साथ जो मल्टीप्लाई में है वो नीचे डिवाइड में आ जाएगा, जब आप 14 से 630 को डिवाइड करोगे तो आपके पास 45 आएगा, तो एक बस में कितने लोग आ रहे हैं बेटा 45 पीपल। 8 बस में कितने आएंगे, तो आप लिख सकते हो 8 into 1 बस, अभी भी तो 8 बस है, ठीक है। अब 1 बस की जगह आपको क्या रखना है, कितने पीपल आ रहे हैं एक बस में, दैट इज 45, तो 8 बस में कितने आएंगे 360 पीपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज अ बॉय कैन रन 49 मीटर इन 6.3 सेकंड्स, हाउ फार कैन ही रन इन 4.5 सेकंड्स, ठीक है, एक बॉय 6.3 सेकंड में 49 मीटर भाग लेता है, अब वो ये कह रहे हैं कि 4.5 सेकंड में वो कितना दूर जा सकता है, ठीक है। सो वट दे हैव गिवन दैट वी आर डूइंग 6.3 सेकंड में 49 मीटर जा सकता है, तो मैं क्या करूंगी 6.3 into 1 sec = 49, ऐसी तो होगा 49 मीटर। यहां से 1 सेकंड की वैल्यू कैसे करके निकालूंगी, जो मल्टीप्लाई में है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ ऊपर क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, तो 1 सेकंड में वो 70.9 मीटर क्या करता है, भागता है 1 सेकंड में। अब 4.5 सेकंड की बात कर रहे हैं, कैसे निकालेंगे 4.5 into 1 second, समझ आ रही है आपको बात, 4.7 तो है ही, 1 सेकंड में कितना हो 70/9,
इस पॉइंट को अगर मैं हटाऊंगी तो ये नीचे आया है 10 और ये 75, तो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 95 जो 45 एंड आंसर इज 35 मीटर। तो 4.5 सेकंड में ये 35 मीटर रन कर सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज विच इज अ बेटर बाय अ डजन बनाना फॉर ₹30 और अ स्कोर ऑफ बनानास फॉर ₹40। ये कह रहे हैं कि भैया देखो किसने ज्यादा अच्छी खरीदारी की है। एक डजन में आपको पता है कितने बनानास होते हैं, 12 होते हैं, और स्कोर में पता है कितने होते हैं, 20। तो ये कह रहा है कि 12 बनाना ₹30 में लेना फायदेमंद है या 20 बनाना ₹40 में लेने में, तो देखते हैं। देखो कॉस्ट ऑफ वन डजन बनानास इज ₹30। ओके, तो वन डजन का मतलब मैं बोलूं 12 बनाना ₹30 में है। अब देखो आई कैन राइट दिस 12 × 1 बनाना इज ₹30, तो मैं यहाँ से 1 बनाना लेगूंगी 30/12 दैट इज ₹2.5। ₹2.50 में मुझे अगर एक डजन ₹30 का है तो मुझे एक बनाना कितने का पड़ा, ₹2.5 का, या फिर ₹2.50 का। ठीक है, स्कोर में होता है बेटा 20, सो 20 बनानास पड़े हैं ₹40 के, तो 1 बनाना कैसे करेंगे हम, व्हाट वी विल डू, 20 × 1 बनाना, और जो इसके साथ है वो कहाँ जाएगा, डाउन। सो 1 बनाना इज इक्वल टू ₹2। ठीक है, अब आप बताओ कि ₹2.50 में लेना फायदेमंद है या ₹2 में लेना है। सो स्कोर ऑफ ₹40 इज अ बेटर बाय। नाउ विच कार हैज अ बेटर स्पीड, द वन कवरिंग 240 किलोमीटर इन 5 आवर और द वन कवरिंग 180 किलोमीटर इन 4 आवर्स। ठीक है, कहने कि किसके पास ज्यादा अच्छी स्पीड है, एक जो 240 किलोमीटर 5 आवर में कवर कर रही है या फिर उसका जो 180 किलोमीटर 4 आवर में कवर कर रही है। तो स्पीड का फॉर्मूला हमें पता ही होना चाहिए, दैट इज डिस्टेंस ओवर टाइम। जब हम बेटा फर्स्ट कार की बात करते हैं तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस हमारा किलोमीटर में है 240 किलोमीटर, और ये टाइम कितने में, आवर में, तो आंसर आ रहा है 48 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड कार की जब हम बात करते हैं सो 180 किलोमीटर ओवर 4 आवर, तो आंसर आ रहा है 45। तो किसकी स्पीड ज्यादा अच्छी है, सो कवरिंग 240 किलोमीटर इन 5 आवर हैज बेटर स्पीड। क्वेश्चन नंबर 9 इज 8 गिफ्ट रैपिंग शीट कॉस्ट ₹128 एट द सेम द कॉस्ट ऑफ 12 सीट इज। भाई 8 शीट की कीमत है ₹128, वो कह रहा है कि 12 सीट की कीमत आप बताइए, तो सेम हम यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे। जस्ट सी 8 शीट इज इक्वल टू 128, सो 1 सीट क्या होगा, जो इसके साथ क्या होगा, 8 × 1 शीट इज इक्वल टू ₹128। क्या करते हैं, 1 शीट की जब भी वैल्यू निकालते हैं तो उसके साथ जो भी मल्टीप्लाई में होगा वो नीचे किस में आ जाएगा, डिवाइड में। तो एक शीट पड़ी है हमें ₹16 की, सो 12 सीट्स कितने की पड़ेंगी, 12 × 1 शीट लिख सकती हूँ, अभी भी 12 सीट्स हैं, और 1 शीट की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 16। सो व्हेन आई मल्टीप्लाई दीज बोथ देन आई गेट द रुपीज दैट 192। मुझे जो 12 सीट्स पड़ी हैं वो पड़ी हैं ₹192 की। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज 15 आयरन बॉल ऑफ सेम साइज वेज 10 kg 50 ग्राम, हाउ मेनी ऑफ देम विल वे 4 kg 690 ग्राम। सो डियर स्टूडेंट्स जस्ट सी, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। इफ आई विल फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 ग्राम देन इट इज 1/1000 kg। ओके, सो नंबर ऑफ बॉल ऑफ वेट 10 kg 50 ग्राम, इसको पहले मुझे पूरा क्या करना है, केजी में करना है कन्वर्ट। कैसे कन्वर्ट करूंगी, देखो 10 kg तो ऑलरेडी केजी में है, प्लस जो ग्राम है उसको 50 ओवर क्या करना पड़ेगा मुझे, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर ये केजी बनेगा। अब देखो 1, 2 मुझे एक जीरो लगाना पड़ेगा तब जाके मैं यहाँ पर पॉइंट लगूंगी। ठीक है, तो ये कितना पड़ेगा, 10.050 kg। तो इतने में होता है 15 बॉल, इतने में 15 बॉल मिलती है। ठीक है, अब यहीं से अगर मैं 1 kg निकालूं तो कैसे, 15/10.050, करेक्ट। नाउ नंबर ऑफ बॉल्स ऑफ वेट 4 kg 690 ग्राम, सेम हम चेंज करेंगे कैसे करके, इसको 1000 से जो ग्राम वाला है वो 1000 से डिवाइड करेंगे, यहाँ केजी ऑलरेडी है तो मेरा आंसर आएगा 4.690 kg। सो कैसे करके निकालेंगे, 4.90 × 1 kg,
और 1 kg की वैल्यू कितनी है 15/10.050, आंसर आएगा 7 बॉल। एक बार आप दोबारा देख लो क्या कर रहे हैं। नंबर ऑफ बॉल ऑफ वेट 10 kg 50 ग्राम, ये तो अलग है बेटा, इसको आपको सॉल्व कैसे करना है वो मैंने बताया है। क्या कर रहे हैं कि 10 kg 50 ग्राम में कितनी बॉलें आ रही हैं, 15 बॉलें आ रही हैं। इसको जब मैंने पूरे केजी में कन्वर्ट किया तो फिर मतलब 10.050 kg में कितनी बॉल आ रही है, 15। तो 1 kg का निकाला तो क्या होंगे 15 ओवर, जो उसके साथ मल्टीप्लाई में डाउन साइड आ जाएगा। अब कह रहे हैं कि 4 kg 690 ग्राम में कितनी बॉलें आएंगी, तो क्या लिखूंगी 4.690 × 1 kg और 1 kg की वैल्यू है 15 ओवर ये, और आंसर आएगा 7 बॉल। आई होप यू आर गेटिंग एवरीथिंग। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी, एंड अप टू दैट टाइम बी सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।